मेजर स्लीव जबले की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 15 इंच, चेस्ट 18 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 15 इंच है, सीम अलाउंस आधा इंच, टर्निंग एक इंच। 15 प्लस हाफ प्लस 1 16 एंड हाफ इंच, 16.5 इंच। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी 15 इंच है, ये हमने जबले की लेंथ ली। यहां से यहां तक हमारी फुल लेंथ है। इसके बाद हम एक्रॉस बैक को स्लीव का इसमें एक ही साथ निशान लगाते हैं। यहां पर हमारे पास ना तो एक्रॉस बैक का मेजरमेंट है ना ही स्लीव का, तो हम निकालेंगे। निकालने का जो फॉर्मेट है हमारा, सबसे पहले हम बॉडी लेंथ निकालेंगे। इसमें बॉडी लेंथ हमारी चेस्ट डिवाइड बाय 4, 18 को 4 से डिवाइड करने पर 4.5 इंच। जो हमारी लेंथ लाइन है इससे ऊपर से नीचे आएंगे हम 4.5 इंच पर, 4.5 इंच पर आकर हम ये निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम अक्रॉस बैक और स्लीव का जो है मेजरमेंट निकालेंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 2, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच। नेक्स्ट लाइन से अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर, ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया। इसमें हमारी स्लीव लेंथ और क्रॉस बैक दोनों ही ऐड है, यहां से यहां तक। उसके बाद ये जो हम डाउन आए थे 4.5 इंच, इसको आगे लेके जाएंगे हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 यानी 1.5 इंच। 18 को 4 से डिवाइड करने पर 4.5 इंच प्लस 1.5 इंच करेंगे इज इक्वल टू 6 इंच। ये जो हम 4.5 इंच डाउन आए इसको अंदर लेके जाएंगे 6 इंच तक। जहां हमारा 6 इंच आएगा वहां पर हम एक निशान लगाएंगे, या फिर हम इस तरीके से एक लाइन शो करेंगे। ये हम यहां से आ गया है चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 1.5 इंच इज इक्वल टू 6 इंच। ये आने के बाद नेक विड्थ निकालेंगे हम। चेस्ट डिवाइड बाय 3, 18 को 3 से डिवाइड किया 6 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, लेंथ निकालेंगे। नेक लेंथ चेस्ट डिवाइड बाय 12, 18 को 12 से डिवाइड किया 1.5 इंच, 1.5। लेंथ लाइन की डाउन आएंगे हम नेक लेंथ के लिए 1.5 इंच या निशान लगाएंगे और इसको हल्की सी शेप देते हुए 6 इंच विड्थ को 1.5 इंच लेंथ से इस प्रकार मिला देंगे। यहां पर हमने चेस्ट डिवाइड बाय 3, 6 इंच विड्थ ली नेक की और 1.5 इंच हमने लेंथ ली। ये लेने के बाद यहां पर जो स्लीव लेंथ हमारी 6 लेनी और 3 इंच बची, और मेजरमेंट के हिसाब से भी देखी जाए तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3। ये हमारी स्लीव लेंथ बची। स्लीव विड्थ के लिए हम डाउन आएंगे
डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3 इंच। स्लीव विड्थ निकालने के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, 18 को 6 से डिवाइड किया 3 इंच प्लस 1 किया 4 इंच। स्लीव बॉटम हमारी जो निकल करके आई वो हम यहां पर निशान लगाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, फोर इंच। इसके बाद हम झबले की विड्थ लेंगे। विड्थ लेने के लिए चेस्ट का हाफ करेंगे, जितने भी हमारी चेस्ट है चेस्ट का हाफ करेंगे प्लस 3 इंच। 18 का हाफ किया 9 इंच प्लस 3 इज इक्वल टू 12 इंच। जो विड्थ निकल करके आई हमारी 12 इंच, ये हमने 12 इंच की एक रेखा खींची, ये हमारी विड्थ हुई। इस विड्थ लाइन को चेस्ट लाइन से हम तिरछा मिलाएंगे इस प्रकार। ये मिलाने के बाद जो हमारी स्लीव बॉटम है उससे हल्की सी शेप देते हुए चेस्ट लाइन को हम इस प्रकार इसको मिला देते हैं। ये मिलाने के बाद यहाँ पे विड्थ पे अगर हमें हल्की शेप देनी है, गोलाई देनी है, तो उसी हिसाब से हम ऊपर आते हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 24, चेस्ट डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू पौना इंच होता है हमारा, 18 को 24 से डिवाइड करने पर 0.75 या फिर हम इस प्रकार पौना लिख सकते हैं। एक इंच में 2 पॉइंट कम ऊपर आएंगे और इसकी हल्की हल्की सेव करते हुए हम इसके विड्थ के सेंटर में आके इस प्रकार मिला देंगे। ये हमारी यहां से यहां तक, ये जो हम यहां से बॉडी लेंथ हमने निकाली थी वो हमारी थी 4.5 इंच। ये हमारा मेजर स्लीव झबले की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।